जय राम जी की भाइयों, राम राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल। और देखिए आज आपको एक बात दिखाऊं, अमेरिका का सबसे महंगा शहर तो है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में सबसे महंगा एरिया है यो। क्या नाम इस एरिए का? प्रेसिडियो। हाँ, प्रेसिडियो, गोल्डन गेट के पास। गोल्डन गेट 7 अजूबों में से एक अजूबा है ना, जिसको जैसे बोलते हुए 7 अजूबे अपना, जैसे ताजमहल है वैसे ये गोल्डन गेट भी 7 अजूबों में है। तो ये प्रेसिडियो एक एरिया है, यानी कि अमेरिका का सबसे महंगा शहर, और सबसे महंगा शहर में सबसे महंगा शहर। ये देखो 1776 में ये बने वाला है। अब ये देखो इसकी खासियत है, ये सारा जंगल है 10,000 किल्ले में, और इनमें बहुत से लोग, इनमें जो घर ले रहे ना, वो देखो जी जिंदगी इनकी अपनी क्या कमाल। तो ये जी रही साइड तो देखो समुद्र है, और फिर आगे गोल्डन गेट, और ये देखो जंगल, और इस जंगल में ये देखो सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट, और इस जंगल में वो घर रहे दिख रहे हो तो आपने, ये मैं आपने थोड़ा जूम करके दिखा दू, ये देखो ये है घर। इसके पास से चलेंगे बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ये मतलब लिमिटे नहीं कितने पैसे के तो ये घर है, क्योंकि देखो जंगल है प्योर, देखो प्राइसलेस है, प्राइसलेस है बिल्कुल, प्योर जंगल है। 1776 का वो दिखा रखा है कि वह बड़ा हुआ 1776, फिर 1876, फिर 1976, अरीब 2023, कई साल पहले ये बड़ा हुआ है। ये देखो ये घर रहे, ये देखो ये रहे घर, इसके अंदर भी फिर इन्होंने बहुत अच्छा बड़ा ये घर रहे, देखो ये इन जंगल का में। तो इनका जो सोच 1776 में जिन लोगों की यह सोच थी, और जिन पे इतने पैसे थे कि वे अमेरिका के सबसे सुंदर शहर में, और अमेरिका के सबसे सुंदर शहर सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में सबसे सुंदर शहर ये प्रेसिडियो कॉलोनी है यार। तो 1776 में है ना, तो देखो बहुत गजब की कमाल की बात है गोल्डन गेट की साइड, और ये गोल्डन गेट के बिल्कुल नजदीक ये है ये एरिया, ये घर भी देखो जी दूर दूर है काफी, बिल्कुल साथ मिलके नहीं है, पूरा गोल्डन गेट देखो यहाँ से दिख रहा है, वो देखो रेड रेड दिख रहा है ना, ये गोल्डन गेट है। आप दूर देखोगे वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये साइड देखो, ये 7 अजूबों में से 1 अजूबे में गोल्डन गेट का देखने वाला। हाँ ये देखो रेड़ा सेना, मतलब प्योर जंगल बना के, और इन्होंने इसमें अपनी रिहायश बना दी थी 1776 में। तो जुल्म की बात है ना, 1776 में इस टाइप का। ये देखो जी गोल्डन गेट, ये गोल्डन गेट है, ये रेस मान लग रहे हैं, ये महंगा है ना। तो ये अपने आप में एक अलग सी चीज देखने की थी कि भाई अमेरिका में सबसे सुंदर शहर सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में सबसे सुंदर एरिया ये प्रेसिडियो है। ये देखो अब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, 10,000 किल्ले में ये है, और समुद्र के किनारे है, देखो समुद्र भी आपने दिखा दूं मैं आपको बिल्कुल आगे, ये देखो ये लिख रखा प्रेसिडियो। तो ये अपने आप में ही एक बहुत महंगा एरिया, बहुत महंगा इलाके, इन लोगों का रहने का शौक है क्योंकि ये गोल्डन गेट के पास है, इसलिए भी महंगा है। बिल्कुल सही बात है, तो गोल्डन गेट के पास है इसलिए भी महंगा है। तो ये देखो गोल्डन गेट, ये तो पहले देखो समुद्र, ये देखो ये शहर है, पानी में जेड़ हवा पीड़ी पीड़ी दिख रही है, ये एक गोरा रेस भी मारे है, एक वह बेबे भी मारे है, और ये है गोल्डन गेट है। हाँ रेस है। तो ये आपने गोल्डन गेट के नजदीक भी दिखावांगे, भाई गोल्डन गेट के मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाला आदमी सैन फ्रांसिस्को में आवे है, और गोल्डन गेट देखना पसंद करता है क्योंकि वो 7 अजूबों में से 1 अजूबा है। देखे ये तो लड़के भी इसे है बेबर के, यूके है, यू आर स्टोन का ये खेलने का, बच्चों अच्छा बच्चों का खेलने का पार्क है।
ये देखो जी, ये है गोल्डन गेट। मैं अपना थोड़ा दूर तो दिखाऊं, इसके नजदीक भी जावांगे। इसके एक उस साइड है और एक उस साइड है, बीच में कोई वो नहीं। तो ये कृषि फील्ड एरिया बोलते इसको, इस एरिया को कृषि फील्ड एरिया बोलते हैं। और हाँ, प्रेसिडियो कृषि फील्ड एरिया। ये देखो, ये ग्राउंड वर्क करना, ये सब अपने भी बच्चों की भी बड़ी आदत है और यहाँ के लोगों की भी आदत है। किसी भी समय लिया अपना घूम लिया, कोई ऐसा थोड़ी वह दोपहर का टाइम है, रही पे जरूरी है। अब मैं देखो नजदीक, देखो ये गोल्डन गेट है, ये बिल्कुल समुन्द्र के ऊपर है। और इसके दूसरी साइड भी एक कॉलोनी है, वहां ऐसे आदमियों की कॉलोनी है। कैसे आदमियों की कॉलोनी बताना थोड़ा तस्वीर, इस गोल्डन गेट से दूसरी साइड ये भाई देखना, ये घूमने वाले लोग, ये घूमने वाले लोग। ये पता नहीं की छोटी सी कार सी है, नैनो सी। अरे देखो, थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर टाइप सा है। ये अपने अपने शौक है इनके। ये गोल्डन गेट देख लो जी, मैं दूर तक दिखाऊ अपना। ये गोल्डन गेट है और ये ऊपर को रोड है, जान लग रहे हैं लोग। ले बताइए थोड़ा इसके बारे में, गोल्डन गेट के बारे में। गोल्डन गेट ये मेरे का पूरी दुनिया से कम भी 20 करोड़ लोग इसको हर साल देखने आते हैं। 20 करोड़ हाँ, पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं सारा साल भी। इसका इतना बढ़िया सिस्टम है, सुंदर बहुत है। और खासियत इसकी है कि सिर्फ दो पिलरों पे खड़ा है, आई थिंक 5 मील लंबा होगा ये। 5 मील लंबा हाँ, यानी कि 7.5-8 किलोमीटर लंबा हाँ। तो ये और दो पिलरों पे खड़ा है हाँ। और जब ये बनाने लगे तो कहते हैं भाई मुश्किल है सब, बनना पॉसिबल नहीं है। लोगों ने, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था, नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले समुद्र के रास्ते से ही जाते थे तो हाँ। तब ये बना है, लेकिन ये पॉसिबल करके दिखा दिया उस आदमी ने जिसने ये बनाया हाँ। ये देखो इतने लोग घूमने आते हैं, घूम रहे हैं, रेस मार रहे हैं, बढ़िया सा है। देखो ये है गोल्डन गेट जी। अच्छा, इसके दूसरी साइड जो आप कॉलोनी बता रहे थे हाँ। उसकी खासियत बताओ थोड़ा सा, दो मिनट। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट एरिया, लाइक सी द सिटी, द सिटी बियॉन्ड ये देखो इतने सोच लेंगे गोरे लोगों की कॉलोनी है जिसमें कोई दूसरा घर नहीं ले सकता, ऐसा है ना। अब वो एक उसमें ये कि भी उनको वो कर लिया था एक बार के भाई, यही खड़ी करनी है क्या गाड़ी, अग तक ले चल रहा, फिर उठे आ जाएंगे जहां तक जा सकते हो। कैन बी को इसके ऊपर से नहीं जा सकते क्या गाड़ी, लेट मी सी। देख भाई एक ये जेल है, दो समुद्र के बीच में देखो, यह भी 1700 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके चारों तरफ बहुत ठंडा पानी है, ये देखो वोरी। और ये इस पर पर्चे बनाई थी कि कोई आदमी यहां से निकल के भाग गया ना, लेकिन इसमें तो भी दो काले भाग गए थे। और इस पानी में चारों तरफ शार्क मछलियां बहुत ज्यादा है, ये भी एक देखने की बात थी। ठंडा भी बहुत ठंडा पानी है, फिर भी भाग गए भाई। उसके बाद अब आपको कर दिया कि भाई उसके बाद जेल भी बंद भी कर दी थी, इनका चैलेंज था कि कोई भाग नहीं सके, लेकिन भाग उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। लेकिन ये 1700 ईस्वी की बात भी बनी हुई है, देखो देखोगे ना मूवी बनी हुई इसमें, अल्कट्राज मूवी भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, अब आप पुल के ऊपर से चलिए ताकि इनको दिखाया जाए। ठीक है जी, अब मैं पुल पे लेके जाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा। वो कितना भारी जंगल है यहाँ, मतलब शहर के बीच में 10,000 किला तो ऊपर ऊपर है, चीज दिख रही है ना आपको हाँ। ये बीच में देखो, बीच में इन लोगों को मुर्दे मर्दे गड्ढे दिख गए होंगे, ये भी यहाँ बीच में है। जगह बुक करवाने के लिए कि मेरा मेरे को यहाँ दफनाया जाए हाँ। उसमें मतलब कई हजारों लाखों करोड़ों रुपए का वो है कि भाई तब जाके यहाँ नंबर पड़ता है। कोई खास जगह है हाँ भाई, मेरे को यहाँ दफनाया जाए तो फिर उसके लिए मरने से पहले बुकिंग करानी पड़ती है, वो लंबे चौड़े है उसके लिए, क्या पता $1 मिलियन की बुकिंग होते वो देखो यहाँ तक दफनाने के लिए कहते कि जिस एरिया में दफनाने के लिए पहले बुकिंग करानी पड़े है। फोर्ट विल फोल्ड,
वो लोग कंपनियां हैं जो आके कह रहे थे देखो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अलग अलग रह रहे हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। मतलब सैन फ्रांसिस्को के जमा बीच में है जंगल, और इस जंगल के बीच में भी इस जंगल का महरणी है, तो के अलग नहीं मजा दे रही है। मतलब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो मतलब ही नहीं। पब्लिक यहाँ पूरे अमेरिका की वजह से ये बहुत ही महंगा इलाका, बहुत ही बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े पैसे वाले आदमी वो है ये लोग यहाँ पे, और गोल्डन गेट के सामने ही जंगल देख ही रहे हो आप। किसी तरह का कोई जंगली जानवर भी नहीं है, तो यही है बस सारी इसकी खूबसूरती। देखो कितना जंगल है, ये पेड़ देखो कितने पुराने पुराने हैं, देख घर कितना अलग से बना रखे हैं, है ना, सुंदर है वो, इतना सुंदर है, देखने का रखे सुंदरता का। 1337 ऐसा कुछ लिख रखे हैं, ओल्ड स्ट्रीट 1337, तो कोई गली का नंबर है ये। तो ये देखिए जी गोल्डन गेट का जी, बहुत तो ये देखिए जी जंगल का एरिया। देखिए भाई सैन फ्रांसिस्को शहर, हर कृषि फील्ड एरिया जो नीचे से मैं दिखा रहा था, और वह जेल जो मैंने नीचे से आपको दिखाई है, देखो वारी इसमें से दो कैदी भाग गए थे 1700 में है, और देखिए बंद ही हुए तो देखो जी यो कितना सुंदर, हाँ कितने सुंदर घर जंगल है ना। इन्हें सरकार रोक कर रख रही है भाई, तुमने कितने जाना नहीं, किसी भी लड़की कोई सुविधा हो हमने बताओ, हम आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, आगे नहीं जाते। ये देखिए आपने गोल्डन गेट ब्रिज दिखाऊंगा आज, गोल्डन गेट ब्रिज ये रहा है, ये देखो जी ये है गोल्डन गेट ब्रिज, ये देख लो जी, हाँ शीशा उतार कर दिखाऊंगा आपने, ये देखो ये वार्ड द शुरू, अरे ओड़ तक है, इसमें किसी ये अपना बहू रानी बताओ कि भाई यहाँ इसमें कहीं भी वो नहीं है, नट बोल्ट नहीं है, है रक्षी कोई नट बोल्ट नहीं है क्या है, चेक करे बताते हैं कि इसमें कोई पूरे पूरे। अब देखो जी ये है 7 अजूबों में से एक, आपने कभी पोस्टर पास्टर ही देखे होंगे उनमें से ये एक है, इसको ऊपर को ले चले एक बार जी। ये देखिए गोल्डन गेट शुरू हो गया भाई, ये गोल्डन गेट के ऊपर से ही मैं निकल रहा हूँ, सोचा कि फ्लाइट तो मेरी लेट होगी तो क्यों नहीं गोल्डन गेट ब्रिज भी दिखाऊंगा अपने भाइयों को। दुनिया इसने देखा हुआ है, 20 करोड़ लोग इस शहर में आए हैं, और 20 के 20 करोड़ लोग इस गोल्डन गेट को देखने आते हैं। ये देखो इस पिलर का मैं को अगला पिलर दिखे है, सिर्फ ये दो ही पिलर है ना, और वह ज्वेलरी अंदर यहाँ से दिखेगा अपने वारी छोटी ही दिखे धुंधला, तो ये गोल्डन गेट है, लोग दिख रहे हैं, इसके बीच में किसी तरह का कोई जोड़ नहीं है, और एक पिलर उस साइड है, एक पिलर उस साइड है, 100 सलीटो इस पुल से दूसरी साइड 100 सलीटो शहर है, 100 सलीटो उसकी क्या खासियत है थोड़ा सा बताएंगे आप। बहुत ही अमीर लोग रहते हैं इसमें, एक आदमी है जो जिसका बहुत बड़ा घर है, उसके 200-300 नौकर भी काम करते हैं। बताते एक बार प्रेसिडेंट ओबामा चला गया वहाँ सैन फ्रांसिस्को आया हुआ था, तो उसके घर चला गया बिना बताए कि भाई किसी ने कहा कि जी अगर उसका फार्म हाउस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वहां जाना जरूरी है, चले गए डोर पे जाके वहां पे कहा कि भाई प्रेसिडेंट ओबामा आए हैं और देखना चाहते हैं अंदर से, तो घर का मालिक जो था उसने मना कर दिया कि भाई तो इनको बोलो कि ये तेरा व्हाइट हाउस नहीं है, मेरा घर है, मेरे मर्जी में आने दो या ना आने दो। तो अगले दिन वो अखबार की खबर पड़ी थी बहुत बड़ी कि भाई किसी ने मना कर दिया था। तो ऐसे एटीट्यूड वाले लोग हैं यहाँ पे, बड़े पैसे वाले
एक से एक बड़े खड़े हैं, पीछे घरों के किश्तियां खड़ी है, तो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, देखो घूमने वाले लोग। सरकार ने उनको कहा कि भाई आपके शहर में ट्रेन और बसेस की सर्विस दी जाए, तो लोगों ने मना कर दिया कि हमारे शहर में बसें और ट्रेन नहीं चलेंगी, तो उसके लिए भाई हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेन बसें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो देखो सुरंग भी ऊपर दिखते हो, देखना बहुत अच्छी, यहाँ से शहर भी दिखेगा। देखो ऊपर भी घूमने जा रहे हैं लोग, ऊपर से देखते हैं वो, देखो नीचे उतर के यहाँ से जेल दिखाओ। मैं आपने यहाँ नीचे उतर के फिर डॉक्टर साहब सरपंच हरियाणा सरकार दे गाड़ी का पत्थर लिख रखे हैं, देख लिया। सरपंच हरियाणा सरकार ले, मैं एक बार उतर लियो और तुम मोड़ ले गाड़ी ने। ये देखो जी घूमने फिरने वाले लोग, अलग अलग टाइप की, वो देखो जी, ये देखो कैसे ये पिलरा पे है यो, और ये देखिए नीचे आदमी भी है, ये कैसे कैसे बन गया है यो, और ये पुल है गोल्डन गेट ब्रिज, और ये सारा समुन्द्र है, और समुन्द्र में वो रही जेल 1700 ईस्वी में बनाई थी, जिससे निकल के भाग्य दूसरी समय पर उन्होंने बंद भी कर दी थी। और ये सारा सैन फ्रांसिस्को शहर, देखो छोटी ही किश्ती भी जान लग रही अंदर, दूर से दिख रही छोटी छोटी, वो ये शहर, ये देखो गोल्डन गेट ब्रिज देख लो जी। अरे लोग ऊपर भी जा रहे हैं, देखो हाथर घूमर का, ये देखिए गोल्डन गेट ब्रिज, इसके अंदर से दूसरा दिख रहा है, ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है, और इस सैन फ्रांसिस्को के चारों तरफ समुद्र है, लोग सिर्फ पुल के जरिए ही सैन फ्रांसिस्को में घुसते हैं। ये देखो टापू आपको दिखाऊं, देखो चारों तरफ समुद्र है, ये देखिए ये है ना, चारों तरफ समुद्र है ना, इस साइड भी है, इस साइड भी है, बीच बीच में है, और ये पहाड़ी को गोल बनाकर नया है इन्होंने बना रखा है सारा का सारा। और ये देखिए यहाँ लोग जो घूमने आते हैं उनको, ये है यहाँ का सिस्टम, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गोल्डन गेट ब्रिज क्रॉस कर लिया था, अभी आगे से घूम के आए हैं, अब ये सुरंग क्रॉस करके घूम के वापस गोल्डन गेट ब्रिज पे हम पहुंच जाएंगे अब। और बस ये वो जगह है जिसको दुनिया देखना चाहती है, जिस शहर में दुनिया सबसे ज्यादा आती है, ये वो शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसमें 32 करोड़ का टू रूम सेट भी है, और गूगल के ऑफिस यहाँ है, फेसबुक का यहाँ है, ट्विटर का यहाँ है, ये कह सकते हो कि भाई आईटी हब है, आईटी का हब है ये, इसलिए पूरा वर्ल्ड यहाँ इन लोगों की मुट्ठी में है, यहाँ बैठे हुए लोग। इस शहर में 200-200 करोड़ की भी है, 200-200 करोड़ के घर। हाँ हाँ, तो ये जो जिस जंगल से निकले थे तो उनकी तो कीमतें नहीं। तो ये भाई कह रहे कि शहर में 200-200 करोड़ की भी है, जो सा तो जंगला बना रहे थे वो तो 200 करोड़ से भी ज्यादा क्यों होंगे घर। तो ये आ गया जी, फिर दिखाऊ आपने मैं गोल्डन गेट ब्रिज और सैन फ्रांसिस्को का शान, जैसे अपने आगरा में ताजमहल अपनी शान है, 7 अजूबों में है ना, तो ये 7 अजूबों में गोल्डन गेट है, बिल्कुल देखिए बीच में। एक बार फिर मैं वापिस घूम के आए थे आपको दिखा दे गोल्डन गेट ब्रिज, देखिए इस साइड समुद्र है, उस साइड भी समुद्र है, ये लोग पैदल भी आ जा रहे हैं। इस शहर में 200 से ज्यादा योगा सेंटर है, इस शहर में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा योगा सेंटर है, कम से कम, और इंडियन रेस्टोरेंट
और 300 इंडियन रेस्टोरेंट है सैन फ्रांसिस्को में, तो और बहुत धड़ल्ले से और बहुत अच्छे चल रहे। यहाँ कोई भी आदमी कुछ भी काम कर ले बड़े धड़ल्ले से चलता है। एक चाय बेचने वाली 4 घंटे में कितने बता रहे थे? 1200 डॉलर की एक दिन में 4 घंटे में वो चाय बेचे हैं, तो 36,000 डॉलर हो गए महीने के ना, और 36,000 × 8 = 24 यानी के भाई 30 लाख रुपए महीने का काम वो चाचा मक रहे 4 घंटे में। ये था जी गोल्डन गेट ब्रिज, आपको दिखा दिया। और फिर देखो यू आ गया सैन फ्रांसिस्को, और ये जंगल बीच में वो सैन फ्रांसिस्को शहर, ये जंगल बीच में है ना, तो ये है यहाँ का सिस्टम। ये दिखाना था आपको, देखो शहर है जो ठंडा है अमेरिका का, और ये ना रुकना ना झुकना, अपने आप कट जाते पैसे और निकल गया। ये है यहाँ का खूबसूरती। ठीक है जी, जय राम जी की भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। ये फिर वो जंगल शुरू हो गया जहाँ से हम चले थे। ठीक है जी, एक पॉइंट जो है जिसको बोलते हैं इमिग्रेंट पॉइंट, अच्छा वो दिखाते हैं। कोई नहीं, देखिए भाई उस गोल्डन गेट को क्रॉस करते ही शहर में आए, देखो कितने पुराने पुराने तो पेड़ है, पहले तो पेड़ देख लो, देखो कितने पुराना जंगल है ना। और एक ये इमिग्रेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, इमिग्रेंट पॉइंट। और देखो समुद्र, ये नीचे गाड़ी, समुद्र, देखो कितना सोहना एरिया, कितना सोहना व्यू है। यहाँ ऊपर से देखे, हाँ पृथ्वी, हाँ जी पृथ्वी, पृथ्वी राज सिंह, ऑल द मैन, ऑल मैन हू, ऑल मैन हू वांट टू बी फ्री, कम टू यूएस, कम टू यूएस एंड दे विल बी वेलकम, दे विल बी वेलकम, वेलकम। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, the men who want to be free come to US and they will be welcome President Woodrow Wilson। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी आओ जो भी घूमना चाहता है उसका वेलकम है। और यहाँ के प्रेजिडेंट ने लिख रखा है, और यहाँ से ये देखने के जंगल में घूमने के लिए निकले हैं, है ना, गजब का एरिया है। नीचे वो आपको दिख रहा है नीचे समुद्र किनारे घर सा है, छोटा सा, हाँ ये घर सा, ये बंकर है जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बंकर बनाते थे। अच्छा, नीचे वो बंकर है उस टाइम का, ये वर्ल्ड वॉर टू में जो बंकर बनाए थे वो बंकर बनाया हुआ है ये 1938 में, 1938 में, अच्छा 38 से 45 तक चला था वो बंकर बनाया हुआ वो, ये रहा। और ये चारों तरफ समुद्र देखिए आप, है ना, ये देखिए समुद्र है जी, और ये जंगल है ही कितना सोना। ये देखो उस साइड फिर शहर है, इस साइड जंगल है, ये है। ठीक है जी, देखो बीच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये देखो कितना सालों साल पुराने पेड़ है, 10,000 किले में ये सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये सारी चीजें, ये इमिग्रेंट पॉइंट ओवर लुक, ये देखो इमिग्रेंट पॉइंट ओवर लुक, ये हर जगह। ठीक है जी, और ये हमारा बेटा पृथ्वीराज सिंह लोहान, राम राम कर बेटा, राम राम जी, दोबारा कर लाउड, राम 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 जी, ऐसे ऐसे लाउड, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, लाउड। अच्छा चल, नमस्ते नमस्ते ताऊ जी कर दे, नमस्ते ताऊ जी, ताऊ जी नमस्ते, तेज नमस्ते, लाउड नमस्ते ताऊ जी, लाउड।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओहो एक दिन इंग्लिश बोलवा रहे थे।